अपने संसार के कार्यों में आरंभ समारंभ में मित्री बनो। अगर एक बाल्टी पानी गिराते हो स्नान में, आधी बाल्टी पे आओ, आधी बाल्टी गिराते हो उसका आधा करो, कम 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 करते जाओ। जितना आरंभ समारंभ हो रहा है उसको कम करना, वो समिति है, न कि धर्म को कम करना, ये समिति है। मम्मण सेठ के कारण मुनिराज को तो आहार प्रश्न पड़ गया, पर खाने नहीं दिया, और क्या हुआ, अंतराय कर्म का बंधन हुआ, और अंतराय के कारण अगले वर्ष में बहुत धन पाया। दान दिया था उसका फल तो मिलना था, सुपात्र दान का फल तो मिलना ही था, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं जितना धन, पर खाने के लिए क्या है पास में, कुछ नहीं खा पाता, केवल चवले की सब्जी, कुछ नहीं खाना है, अंतराय कर। पर एक तरफ शादी पत्र है, जिसने अपने मन को देखो, कुछ नहीं है, गरीब व्यक्ति है, और गरीब होने पर भी पुण्य ऐसा जगह है कि सहेलियों ने मिलकर के कोई शक्कर लेके आई, कोई दूध लेके आई, कोई चावल लेके आई, खीर बन गई है, और खीर अभी ठंडी हो रही है, माँ गई है अंदर काम करने, और खीर बाहर थाली में ठंडी हो रही है, क्या सुगंध आ रही है। और उसी समय उस घर पे आ गए हैं मुनि भगवंत आए हैं, धर्म लाभ, मोर जीवन कितना बढ़िया है, बढ़िया है कि नहीं, है कि नहीं, थोरो जीवन बढ़िया के मोरो जीवन आसान जीवन की हो थोरो के मोरो आसान जीवन साधुओं का, कोई बाई पीसे कोई बाई पोवे, शास्त्रों में कहा गया, एक कवि ने कहा कोई बाई पीसे, यानी कोई बाई गेहूं बाजरा इत्यादि को पीसती है गट्टी, अब तो गट्टी गई आपके घरों से, पहले गट्टी थी ना, मेरे को ऐसा ध्यान में है, तो जेणा पूर्वक आप लाते, फिर उसको बीनते छानते सब देखते, फिर जेणा पूर्वक पीसते, अब तो आप, अभी तो ठीक है, बाड़मेर वगैरह नगरों में तो ठीक है कि अभी आटा सीधा जो बना हुआ आते वो नहीं लाते, अभी तो गेहूं की बोरियां उतरती है और जेणा रख करके आप काम करते हैं। ध्यान रखना, गेहूं में तो जीव है ही, पर गेहूं के साथ इल्ली इत्यादि जीवों को और मारना महापाप, ये जेणा है। एक चूल्हा भी आप चालू करो तो उससे पहले पूंजनी से प्रमाद करो, चूल्हा चालू करना पाप है, पर जेणा करके पूंजनी से उसमें आने वाले कोई जीव रहे हुए हो तो उनको दूर करना, ये हमारा धर्म है। गोबर के कंडे जलाने पड़े तो पाप है हालांकि, परंतु उसको झटक करके कोई कॉकरोच हो, कोई कान खजूरा हो, कोई बिच्छू हो, कोई भी दूसरे जीव हो, उनको दूर करना, ये धर्म है। क्योंकि ध्यान रखना, एकेंद्री से ऊपर के जीव अगर हमारे भोजन में आते हैं तो मांसाहार के समान हो जाते हैं। बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय का त्याग, केवल एकेंद्रीय जीव ही हमारे भोजन के योग्य। एकेंद्रीय में भी पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय और वनस्पति काय, उसमें भी साधारण वनस्पति काय नहीं है, आलू प्याज लहसुन गाजर मूली शकरकंद नहीं, इन सबका विवेक तो